नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक तिवारी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वीक टेल पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया में हाल फिलहाल में शुरुआत हुई 5G नेटवर्क के बारे में। दोस्तों इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 जिसका उद्घाटन प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ था वहां पर की गई है। वहां पर उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए यह कहा है कि वो कहीं ना कहीं इस दौड़ में थोड़ा भले ही पीछे रह गए हों और देशों के मुकाबले, लेकिन उनका दावा है कि वे देशवासियों को एक उच्चतम क्वालिटी एवं बजट फ्रेंडली 5G नेटवर्क प्रदान करेंगे। एवं उन्होंने ये भी कहा है कि वे ये इंडिया के जो डिजिटल जमाना है या डिजिटल जमाने के जो दौड़ में इंडिया शामिल हो रहा है उसमें एक कदम इंडिया आगे की ओर बढ़ गया है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करें कि कौन सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो हमें शुरुआती दौर में 5G नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों इसमें से एक कंपनी है जो है एयरटेल। एयरटेल के मालिक अनिल मित्तल द्वारा यह कहा गया है कि वे एयरटेल 5G के शुरुआती फेज में केवल 8 शहरों में अपना 5G नेटवर्क लॉन्च करेंगे और 2023 तक उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि वे पूरे भारत को 5G नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे। वहीं दूसरी कंपनी है जियो। जियो के जो मालिक या चेयरमैन जो है उन्होंने मुकेश अंबानी द्वारा यह कहा जा रहा है कि वे शुरुआती दौर पर 13 शहरों को 5G नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे, जैसे दिल्ली, बैंगलोर और अन्य ऐसे कई सारी मेट्रो सिटीज़ हैं जैसे लखनऊ वगैरह, वहाँ पर वो अपना 5G नेटवर्क लॉन्च करेंगे। उसके बाद वो भी 2023 तक पूरे भारत को 5G नेटवर्क प्रोवाइड करने का दावा कर रही हैं। वहीं कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए कि वोडाफोन यानी कि वी जो नेटवर्क है वह इस दौर से थोड़ा पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। उनके मालिक द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि वह अभी इस नेटवर्क को लॉन्च करने की स्थिति में नहीं है, या वे इस नेटवर्क को जब लॉन्च करेंगे जब उनके जो हम उनके यूजर्स हैं उनकी यूजेबिलिटी और यूजर इंटरफेस एवं जो कॉम्पिटिटिव रेट है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं वो इस नेटवर्क को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने कोई क्लियर बात सामने नहीं कही है। वहीं एक रोमांचक बात हमारे सामने और आ रही है कि 5G नेटवर्क की दौड़ में BSNL भी वापसी करना चाहता है। दोस्तों BSNL द्वारा ये दावा किया गया है कि 2023 तक वह भी अपना 5G नेटवर्क लॉन्च कर देंगे। एवं दोस्तों आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, आपके मन में जरूर ये सवाल आया होगा कि ये IMC क्या है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस क्या है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। यहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी नेटवर्क कंपनियां एवं अन्य मोबाइल कंपनियां हैं वे आकर नई जो अपनी लॉन्चिंग्स वो होती हैं वो उसकी जो बात होती है यहाँ पर देशवासियों के सामने रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना ना भूलें।